देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में 8,635 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 100 से भी कम मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया। एक दिन में कोरोना वायरस से 94 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 8,635 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,66,245 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 100 से भी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 94 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के सामने अपना दम तोड़ा है। देश में कोविड-19 वायरस से अब तक 1.54 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।